Good morning everyone and welcome back to another vlog. तो अभी आने वाला है हमारा डॉगी, कौन सा होगा अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल स्मृति को आँख मारा इसका नाम है, पता चल गया अब इसका नाम क्या रख रहा था। मैं बताऊँ, इसका नाम रखो रोमियो। रोमियो ये करो, रोमियो को जल्दी आना, किसी को भी बदनाम नहीं करना। चले गए कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने ये ले रखा है रॉड का माइक, कितनी सारी नई नई चीज़ें ले रखी है वो दिखाई नहीं पाए। जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है ना, गोप्रो में करूँगा मैं, उसके लिए अडेप्टर लेना है। तो मैं अभी लंबे टूर के लिए जाने वाला हूँ एक महीने बाद, थोड़ा सा रिकवर करने के लिए। तो मेघा तो नहीं आएगी, मैं ही जाऊँगा, तो फिर मैं लेने वाला हूँ उसके लिए अडेप्टर लूँगा ना, तो उसके बाद गोप्रो में ही शूट करूँगा। तो फिलहाल हम लोग आए हैं यहाँ पर ऊपर मसूरी रोड पर आ रखे हैं। अभी इसकी आवाज़ प्रॉपर आएगी, कितने ही दूर चले जाओ ना। रॉड का माइक लगा रखा है, ये शॉर्ट वीडियो के लिए लिया मैंने, कुछ ही दिन पहले लिया था, मतलब रोमियो के जाने से एक हफ्ता पहले कैप्रॉक्स ले लिया था। फिर उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया। जो भी आपने रॉड वाली वीडियो देखी होगी ना, रिकवरी नहीं हो पा रही, इवन काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब है और बुखार खांसी सर्दी, और इससे पहले फिर रोमियो का ऐसा हो गया था। तो फिर अभी एक ही वीक हुआ है, कल वेंसडे था तो कल उससे एक वीक हुआ था, तो हमने सारी डॉगीज को खाना खिलाया। और एक्चुअली मैं जो खाना था ना वो मतलब हमने लिया नहीं था, वो रोमियो के लिए मैंने लिया था लास्ट में। पहले तो ठीक ही था, लास्ट के जो एक वीक बचा हुआ था ना उसमें वो क्या हुआ कि लास्ट के तीन दिन में उसने एक वीक से तो खाना कम कर दिया था, क्योंकि उसको मेरे को लगा मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर इंजेक्शन भी नहीं लगवाया मैंने उसको, डिवॉर्मिंग भी नहीं कराई। डॉक्टर ने कहा डिवॉर्मिंग मत कराओ क्योंकि खाना नहीं खा रहा, उसके बाद वो छोड़ देगा खाना, तो फिर मैंने उसको डिवॉर्मिंग नहीं कराई। तो क्या हुआ उसको जो जैसे टिक होते हैं ना, कोई पिस्सू कहता है, कोई किन्ने कहता है, जो कोई टिक कहता है, तो टिक उसके बॉडीज़ में लग रहे थे बहुत सारे, सभी डॉगीज़ के लगते हैं इस टाइम पे। तो जैसे हम लोगों को मच्छर लगते हैं ना, तो मच्छर काटते हैं हमें कुछ नहीं होता है, कितने हज़ारों मच्छरों ने काटा होगा आपको भी हमको भी, कुछ नहीं होता है। लेकिन एक मच्छर आता है जो वो होता है मलेरिया वाला या फिर डेंगू वाला, हाँ वो काट दे तो कितना बीमारी हो जाती है, मतलब मर ही जाता है इंसान। तो वैसा ही रोमियो के साथ हुआ, एक टिक आया जिसने उसको फीवर कर दिया, टिक फीवर कहते हैं उसको। 3 दिन से उसको डिप चढ़ी थी, लास्ट दिन था 4th दिन। तो हुआ ये जैसे ये है क्लिनिक, इसके सीख अपोजिट साइड में मेरी बुलेट थी, मेघा ने पकड़ा हुआ था डॉग को, और वो मेरी गोद में था, और गोद में रहते रहते ही फिर वो उसने अपनी सांसें रोक दी थी, तो फिर उसके बाद से हम लोग कहीं भी एक्टिव नहीं थे। तो उस दिन क्या हुआ, 3 दिन से उसको डिप चढ़ी थी, 3 दिन से डिप चढ़ी थी, और लास्ट दिन था 4th दिन। तो मैं उसको लेके ही जा रहा था सुबह, मैं उसको अप्रॉक्स 7-8 बजे के आसपास ले जा लेता हूँ। उस दिन क्या हुआ, बारिश बहुत तेज आ रही थी, तो वैसे ही टिक का सीजन चल रहा है, तो डॉक्टर ने कहा था उसको बारिश से अवॉइड करना। तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया, 11 बजे के अप्रॉक्स चली गई थी बारिश, फिर मैं उसको थोड़ा सा घुमा के लेकर आया, कम से कम आधा किलोमीटर से भी कम घुमा होगा मैंने, 250 मीटर ऐसी कुछ घुमा होगा। उसके बाद क्या वापस लेके आया, फिर मेघा को कॉल किया, तो मेघा ने पीछे पकड़ा रोमियो को, जिद कर रहा था आगे बैठने की, मेरे को लग रहा था रिकवर हो जाता था खासा। फिर क्या वहाँ लेके गए हम लोग, तो बुलेट में था वो, तो आगे जिद बैठने की जिद कर रहा था। तो फिर जैसे क्लिनिक है, जैसे ये क्लिनिक है यहाँ पर बीच में रोड है और इसके इस साइड में खड़ा हूँ, तो मैं रोड क्रॉस करने के लिए वेट कर रहा था क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही थी। तो यहाँ पर से यहीं पर ही खड़ी थी गाड़ी,
तो पीछे मेघा ने कहा कि रोमियो को क्या हो गया, अचानक रोमियो ने ऐसे करके पीछे छोड़ दिया शरीर। तो मैंने बाइक एकदम से खड़ी करी, उसके पीछे यहाँ पर मिट्टी मिट्टी लग गई पाँव में, क्योंकि नीचे मिट्टी थी, तो मैंने पकड़ लिया था लेकिन उसको पूरा गिरने नहीं दिया और पकड़ लिया टाइट से। उसके बाद फिर वहाँ से डॉक्टर भी आया, फटाफट हम लोग भागते हुए गए, उसको रखा क्लिनिक के अंदर। उसको सांस ही नहीं आ रही थी, जीभ पूरी नीली पड़ गई और एकदम से ऐसे लंबे लंबे वो कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि सांस आए करके। फिर हमने खूब धक्का दिया यहाँ पे दिल में, ज़ोर ज़ोर से धक्का दिया, मतलब 10 मिनट तक ट्राई किया होगा अप्रॉक्स। फिर बुरा भी लग रहा था, फिर ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ इंजेक्शन भी लगे पर कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और तो रीज़न अभी तक समझ में नहीं आया। डॉक्टर कह रहे क्या कहते हैं कि उसकी जीभ नीली थी तो उसको किसी ने काट दिया पॉइजनस चीज़, तो अगर काटा होगा तो मैं सुबह उसको घुमाने लेके गया तो ऐसी किसी खतरनाक चीज़ ने तो काटा नहीं, क्योंकि सांप तो थे नहीं। तो हो सकता है कि मेरे को लग रहा है कोई छोटे मोटे कीड़े ने काट दिया हो, या फिर कोई प्लांट लग गया हो उसके उसमें। बट उसकी बॉडी ऑलरेडी मैंने ब्लड टेस्ट कराया था तो प्लेटलेट्स कम थे, फीवर था तो कमज़ोर थी, तो हो सकता है फेस नहीं कर पाई हो, लड़ नहीं पाई हो, या फिर सेकेंड रीज़न लग रहा है। और दिन वो क्लिनिक जाता था, बहुत खुश होता था कि यहाँ से गिफ्ट मिल रहे हैं, चौंचों वाले जो गिफ्ट होते हैं बच्चों के, जो इनके होते हैं पिल्लों के होते हैं छोटे छोटे पपीज़ के, वो मिलते थे, खाने के लिए हड्डी मिलती थी या फिर पेडिग्री टाइप की चीज़ें मिलती थी, तो खुश होता था। लेकिन 3-4 दिन से उसको डिप चढ़ रही थी ना, इंजेक्शन लग रहे थे, तो फिर हो सकता है कि वो डर गया हो वहाँ पर से। तो मैं यहाँ पर खड़ी की थी, मैंने बुलेट इस साइड क्लिनिक, तो उसको देख रख के हो सकता है उसको हार्ट अटैक आ गया हो, पर उसकी टंग नीली थी तो हो सकता है पॉइजन हो, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अब वो तो पता ही नहीं क्योंकि अब वो चले गया। फिर उसको लेके गए हम लोग और फिर रिकवर होने में भी टाइम लगा, अभी भी मतलब हो ही रहे हैं, क्योंकि क्या है ना मैं एक ही कमरे में रहता हूँ, उस कमरे में रोमियो और मैं ही रहते थे, अब क्या है खाली मैं ही रहता हूँ, क्योंकि रात में भी हम लोग साथ में ही खेलते थे, मेरे साथ बेड में सोता था, उसके बाद फिर थोड़ी देर में उठ के चले जाता था, सुबह मॉर्निंग वॉक लेके जाता था मैं उसको 6 किलोमीटर वो मन। बाकी मतलब कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये कह रहे हैं कि यार रोमियो ने पूरी जितना मतलब 9 महीने रहा है अप्रॉक्स, हो नवंबर में लेके आया था मैं उसको, छोटा सा था आपने देखा ही था, और अभी गया वो अगस्त में, तो पता नहीं कितने महीने होते हैं। तो इतने महीने तक उसने सिर्फ इन्जॉय किया, उसने मूवी देखी, उसको हॉल लेके गया मैं, उसको मैं शिमला लेके गया, मसूरी लेके गया, कुफरी लेके गया, तो बर्फ़ देखी उसने, उसको मैं माल देवता सहस्त्रधारा लेके गया तो उसने स्विमिंग भी करी, और कैब में बैठा वो, ट्रेन में बैठा, बाइक में बैठा, स्कूटी में बैठा, हल्द्वानी गया, यूट्यूब इसको भी से मिला, और भी बहुत सारे इन्जॉयमेंट किए उसने यहाँ पर। ये जिस लोकेशन में हमें ना यहाँ पर भी आया है वो, यहाँ पर भी मैंने उसकी वीडियो बनाई है, एक ही दिन पहले उसकी मैंने वो भी बनाई थी, उसकी रील बनाई थी कि रिकवर हो रहा है और अगले दिन ही अचानक हो गया, कोई एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मैं तो अच्छा खासा उस दिन जिम से वापस आया और उसके बाद ही ऐसा हो गया, ठीक हो जाएगा एकदम से, मतलब टाइम तो लगता है रिकवर होने में ना, मतलब एक फैमिली मेम्बर खोया है, ऊपर से हम 3 ही जने थे यहाँ पर, मैं रोमियो और ये, तो होता है यार। तभी मैं इधर भी लेकर आया इसको, और जिस दिन रोमियो की डेथ हुई थी उसके अगले दिन भी इधर आए थे हम लोग, पर मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया ना, क्योंकि एकदम कमरे के अंदर ही थे तो दुख होता है, तो ऐसा ही है। बाकी गाइस मैं व्लॉग तो मैं धीरे धीरे लेकर आता रहूँगा, रोमियो के चैनल को एक्टिव रखूँगा, और अब उसका नाम भी वही रखे रहेंगे, दी गोल्डन रोमियो। बाकी मैंने रोमियो का जो खाना था वो आसपास के जो भी रोमियो के दोस्त थे सिर्फ उन्हीं को दिया, 4-5 दोस्त थे तो उतने में ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा को बांटता तो किसी का भी पेट नहीं भरता, तो मैंने 4-5 को खिला दिया था उसका खाना, जो कि मैं उसका पूरा सुपर गोट लेकर आया था ना, जैसे पेडिग्री होता उसी टाइप का। टेस्ट कर, अंडा है यहाँ पर, डाल दे डाल दे, रुक जा मिक्स करके डालो ना। और दिन तो इतने सारे कुत्ते घूमते हैं ना यहाँ पे, आज देखो आज मैं खाना दे रहा हूँ तो सुबह उतनी देर से 3 ही मिले सिर्फ, वो भी तीनों के तीनों रोमियो के दोस्त, तो मैं सोचा चौथा जो है सिर्फ एक ही के लिए और बचा हुआ है, तो चौथा में भी मैं रोमियो के दोस्त के ही दूँ, कम से कम आधा घंटा घूमे उसके बाद लास्ट में मिला है ना। ऐसे रोमियो को भूलना बहुत मुश्किल है गाइस, जो इतना प्यार करता था, हम लोग आपस में हल्का सब उसको चिढ़ाने के लिए थोड़ा झगड़ते थे तो लड़ाई छुड़ाने के लिए आ जाता था, एक दूसरे को मार्स को ऐसे बोलते थे तो उछल उछल के रोकता था, तो उसकी बहुत याद आती है, बहुत दुख होता है सोच सोच के। अब तो इतना टाइम हो गया, 1 हफ्ता हो गया है, फिर भी इतने जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे ही रिकवर हो पाएगा ना इंसान। अभी भी किसी भी बंद जगह जाती हूँ तो घुटन जैसी होने लगती है, जैसे कहीं भी मैं सुबह बाइक लेके जाता हूँ, जिम जाता हूँ, तो वो रास्ते जहाँ पर मैं रोमियो को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाता था या उसके दोस्त दिखते हैं रोमियो की एक तो दोस्ती भी तो सभी से थी, वो कोई भी दिखता है तो वही याद आती है रोमियो ऐसा करता था, तो बहुत डर लगता है कि आगे से कोई पेट रखेंगे तो कहीं, फिर सब लोग ऐसे बोलते थे ना कि कितना प्यारा है, कितना क्यूट डॉगी है, ये प्यारा तो है ही यार, कितना प्यारा था वो,
एक तो फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, सबकी नजर में नहीं आ गया था वो। जो भी है उसका जाना ही होगा ना, नहीं तो इतनी सारी बीमारी, वो पूरा वो हो गया था, रिकवर हो गया था। लास्ट में लास्ट दिन था सो डिप का, उस दिन भी अगर डिप चढ़ जाती उसके बाद सिर्फ उसको फिर क्लिनिक लाना ही नहीं था, उसके बाद उसको सिर्फ गोलियां ही खाता ना। लोगों ने मुझे मैसेज किया इंस्टा में हर जगह, जितने देखो जितने लोग अगर क्वेश्चन करते रहेंगे ना रोमियो कैसे गया क्या हुआ, उतने बार तुम अगर टाइप करके बताओगे। मुझे समझा, बात की, जो मिलने, मैंने कई लोगों को मैसेज भी किया कि मुझसे मिलने आ जाओ, मुझे ज़रूरत है, मेरे को मेडिसिन चाहिए, किसी ने रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई नहीं आया हेल्प करने।